क्या कह रहे हो? रात कर ली ना? मैंने तो कर ली, कर लो। कविता बोल रही हो ना? बस स्टार्टिंग वाला कर दिया मैंने। ले ले जाओ ये रखा रहने दो, अभी फिर बाद में कर दूंगी ना इसमें। घी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग, और आपको नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, जो भी आपकी मनोकामना हो सबकी वो सारी पूर्ण हो। और मैंने अभी पूजा कर ली, उसके बाद में जा रही हूँ चामुंडा देवी, चामुंडा मैया पे जल चढ़ाने के लिए। तो अभी कांदरिया थोड़ा लेट हो गए थे, तो आज इसलिए अलग अलग पूजा कर रहे हैं, तो वो पूजा कर रहे हैं। अब मेरी हो चुकी है, तो फिर चलो चलते हैं, क्योंकि दिन निकलने वाला, फिर आके और भी काम करना है। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले जल देने के लिए, फिर उसके बाद जो भी करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। क्या चीज? अच्छा लिया ना क्या? वो रखा था इधर, रुको अभी दे रही। तो तिलक लगाने वाली कटोरी रह गई मैं दे देती हूँ इनको। और पता नहीं देखो दक्ष क्या करेगा, अभी तो सो रहा है, कह के तो यही सो रहा था कि मैं व्रत रखूंगा। अब जब भी उठेगा तो वो यही बताएगा, फिर उसी हिसाब से मैं कुछ बनाऊं। अगर वो व्रत रखेगा तो फिर खाना नहीं बनाऊंगी मैं। बस और कुछ पता नहीं, लाइट इतनी जल्दी क्यों चली गई आज। चलो चलती हूँ मैं, जल देकर आती हूँ। इतने कामिंदर जी भी पूजा कर लेंगे, फिर मैं बना लूंगी चाय अपनी। तो चलो चलते हैं मंदिर में। तो मैं चलती हूँ यहाँ से चामुंडा देवी पर जल चढ़ाने के लिए। वो थोड़ा थोड़ा सा दिन भी निकल आया था, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रही थी, क्योंकि ना पता है सारे गांव की औरतें जाती हैं तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ सी हो जाती है। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी चली जाऊं, तो इसीलिए मैंने काविंदर जी से पहले आज पूजा कर ली थी, वरना हम दोनों साथ करते। और मुझे लग भी रहा था कि वहाँ पे मतलब लेट हो जाते हैं, फिर जैसे जो पहले जाता है वो जल चढ़ाने लगता है ना, तो दूसरा वाला लेट हो जाता है। और मैं दिखाती हूँ कि ये हैं हमारे गाँव की चामुंडा देवी, और यहाँ इधर साइड में जो है ये राधे कृष्ण का मंदिर है, ये भी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने जल चढ़ाया, और जल चढ़ा के यहाँ पे तिलक लगाया मैंने, स्वास्तिक बनाते हैं चामुंडा देवी पे, तो वो भी बनाया मैंने। और फिर राधे कृष्ण के मंदिर में भी हाथ जोड़कर मैं फिर अपने घर आ गई थी वापस। और आप लोगों को बता दूं, आज आ गया वाला व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब मैं स्कूल से आई तो दक्ष काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने उसके सारे क्वेश्चन पेपर्स उसके आगे रख दिए थे। मैंने कहा था कि दोबारा से सॉल्व करो, जो मिस्टेक करके आए उसको दोबारा से देखो। तो वो मैथ्स में काफ़ी चीज़ें उससे नहीं हो पा रही थी, तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो नहीं भूलोगे, तो तुम उसका मैथ्स का पेपर काफ़ी ख़राब हुआ है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। या आप लास्ट में आप बने रहिएगा व्लॉग में, तो आप लोग ये ज़रूर देखेंगे। और मेरा वहाँ पर भी मैंने काफ़ी समझाया, और मैं यहाँ पर भी बोल रही हूँ कि गलती हो जाती है वो कोई बात नहीं है, गलती बार बार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती एक बार होती है, बार बार की गई कोई भी बात, दोहराई गई बात गलती नहीं मानी जाती। तो चलो यहाँ पे कर ली मैंने पूजा अपनी, और ये दिखाती हूँ अपने राधे कृष्ण का मंदिर। तो यहाँ पे बहुत सारे शाम वाले चिराग थे, तो अभी तक यहाँ पर मतलब ये चिराग नहीं हटाए गए थे, शाम के टाइम जो जलाए गए थे। तो ये हैं श्री कृष्ण और हमारी राधा रानी। और फिर मैं पहुँची हूँ दक्ष के पास सीधा। बेटा दक्षु, गुड मॉर्निंग बाबू। बेटे बाबू, व्रत रखोगे बेटा? हैं तो बेटे नहा धो के पूजा करो अपनी, पापा भी कर रहे हैं पूजा, मैंने भी कर ली। कितनी देर में उठोगे हैं भैया? तो व्रत है आज पक्का है बेटे, हैं दक्ष? ठीक है दोस्त, यही पूछ रही थी मैं, कंफर्म कर रही थी ना, फिर मैं उसी हिसाब से बनाऊं ना बेटा। क्या हो गया, क्यों इतना सुस्त हो रहे हैं, क्यों रोने को तैयार है, क्या है वजह? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रोने लगा बता? अरे बात क्या हुई? सो मैं बताऊँ आज दक्ष क्यों बोला, दक्ष का इतना सा थोड़ा सा एग्जाम इसके क्वेश्चन मिला रहा था, ये तो थोड़े से एग्जाम इसका ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बाकी तो सारा अच्छा हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टेंस हो रहा है कि मेरा एग्जाम थोड़ा सा जितनी तैयारी थी उस हिसाब से नहीं गया उसका।
तो मैं उसको समझा रही हूँ, मन का चलो अभी बाद के रोने से तो अब रोना अच्छा है ना, क्योंकि जब सीनियर क्लास में चले जाते हैं ना तो सीनियर क्लास में कोई भी नहीं करता। यहाँ स्कूल में तो टीचर्स एक बार ये है कि हाँ बच्चे ने अच्छे से परफॉर्मेंस दी है तो देख लेते हैं, और बोर्ड में नहीं देखता, बोर्ड में तो बहुत हार्ड मार्किंग होती है। तो अचानक ही हम लोग बैठे थे और मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट कर रही थी, फोन और दक्ष हो रहा है यहाँ पे परेशान है बाबू, तो परेशान होना छोड़ो, पढ़ना शुरू करो, जो जो अब खराब गया वो आगे खराब ना जाए, क्योंकि नाइन्थ में तो और भी ज्यादा टफ आएगा पेपर, है ना, मेहनत तो करी थी इसने तो उसकी वजह से हो रहा है ये परेशान। तो देख परेशान नहीं होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए अपनी से ज़्यादा, यही चीज़ मैं इसको समझा रही थी। तो और बताओ, खुश हो जाओ, खुश हो जा भैया, अब तो हंस पाओ अभी ना। तो चलो मैं करती हूँ इसका मूड ठीक, क्योंकि मूड खराब करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से होगा जब भी होगा। बिना पढ़े कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो आज दक्ष का बहुत ज़्यादा मूड अपसेट है, क्योंकि वो अपने क्वेश्चन पेपर्स में मतलब क्वेश्चन पेपर को सारा मैच कर रहा था, इसने आके नहीं देखा था मैथ्स का पेपर, इतना आके ही देखा है तो इतना परेशान हो रहा है। तो मेरा सब बच्चों से यही कहना है कि बेटा बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है, आगे इतना कंपटीशन है, एक सीट के लिए कम से कम 50-50 बच्चे कंपटीट करेंगे। तो आप ये देखो, आप खुद को जानते हो, आप अपने अच्छे दोस्त खुद हो, कोई आपका कोई दोस्त नहीं है, तो खुद से जानते हो कि आप कितने पानी में हो, क्या आपकी पोजिशन है क्लास में, ये आप खुद से जानते हो। तो अपनी उस चीज़ को पहचानते हुए अभी से मेहनत शुरू कर दो, और आप लोग जो हैं एट्थ नाइन्थ से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब जाके टेंथ में कहीं अच्छे मार्क्स आते हैं। 90+ वाले बच्चे जो है ना वो सेवन्थ एट्थ से ही स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। तो चलो आगे और मेहनत करेगा, प्रॉमिस कर मेहनत करेगा, पक्का तैयारी पूरी थी। तो प्रैक्टिस नहीं करी थी ना, लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए एग्जाम टाइम में, हमेशा लिख के प्रैक्टिस करो। ये नहीं होता कि हमें आता, उससे कुछ नहीं होता। जब हम लिखने बैठते हैं ना तो सब भूल जाते हैं, तुम लिख के नहीं देखते, ये दिक्कत है तुम्हारे अंदर। चलो अब जो हो गया उसके लिए आप परेशान मत हो, आगे नहीं होनी चाहिए कोई प्रॉब्लम, जो हो जाती है प्रॉब्लम उसके लिए मत रो, वो प्रॉब्लम हमारे आगे ना आए, उसके लिए बेटर तैयारी करो। तो आज चलो मैं इसका दक्ष का मूड थोड़ा सा सही करती हूँ और अपने ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। तो परेशान मत हो आप सब भी, और ये भी जैसे आज दक्ष परेशान हो रहा है, कोई परेशान मत हो, बट आगे आपके ये प्रॉब्लम ना आए, है ना, प्रॉमिस तो करा है ना भैया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में दक्ष की पढ़ाई के साथ। बाय बाय, चल एक बार हंस के बाय कर दी।